मेरा नाम मोहम्मद वकास है, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान तरीके इंसाफ से है। जिस दिन इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया 9 मई को, उस दिन हम पुरमन एहतजाज के लिए रोड पर निकले। पुलिस की जानिब सब हम पर फायरिंग हो रही थी। फायरिंग की वजह से मेरी आंख पर गोली लगी, जिसकी वजह से मेरी आंख ज़ाया हो गई। उसके बाद मुझे अस्पताल शिफ्ट कर लिया गया। मैं अस्पताल में ज़ेर इलाज था। ज़ेर इलाज के बाद मुझे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और मुझे ताने लेकर गए, काबली ताना, जिसकी वजह से उधर हम पर बहुत सख्ती हुई, बहुत ज़्यादा सख्ती। मुझे इलाज की ज़रूरत थी। मेरे सर में दर्द था, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द था, मेरी आंख में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, क्योंकि मेरी आंख एक ज़ाया हो गई थी, गोली सर में फंसी हुई थी। डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर रहे थे कि अगर आप ऑपरेशन करते हैं तो आपकी जान को ख़तरा हो सकता है, इसलिए अभी तक ये गोली मेरे सर में है। फिर उस ताने से हमें जेल में शिफ्ट कर दिया गया। जेल में हम पर बहुत जुल्म हुए, हम पर मुलाकातें बंद थी बाहर से, हम घर फोन नहीं कर सकते, खाने पीने का बहुत मसला था, और जितने जुल्म हुए हमने वो सब से अपने खान के लिए, इमरान खान के लिए। मगर मैं पेशावर की लीडरशिप का और ख़ास कर वकला का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने बर वक्त वर्करों की मदद भी की। जो ज़रूरियात ज़िंदगी चीज़ें थी वो भी जेलों में पहुँचाई और उनकी मदद से हम बाहर आए।